गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के बारे में जानेंगे कि विचारधारा वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा क्या होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा सर्वाधिक पुरानी विचारधारा कही जा सकती है। इस विचारधारा को प्रबंध की उत्पादकता और दक्षता की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। टेलर को इस विचारधारा का जन्मदाता माना गया है, मतलब इसको विचारधारा को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो टेलर हैं, और इसे दूसरे नाम से जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे पुरानी विचारधारा है, क्योंकि जो सबसे वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा सर्वाधिक पुरानी विचारधाराओं के अंदर आती है। ये विचारधारा साधनों की अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस हेतु ये कार्यों, गतियों, कार्य विधियों, सामग्री, यंत्रों, उपकरणों आदि के प्रमापीकरण पर बल देती है तथा वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए प्रशिक्षित श्रमिकों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विधि में कार्य करने को महत्व प्रदान करती है। ये विचारधारा श्रमिकों से अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी विधि को अपनाने पर जोर देती है। कहने का मतलब है, ये विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी करिए, उस पर अपना सारा फोकस करिए कि किस तरह से प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकता है। और ये कार्यों की स्पीड, कार्यों की टेक्निक और जो जितने भी उसके टेक्निकल तरीके हैं उन पर फोकस करने के लिए कहती हैं। ये विचारधारा ऐसे वैज्ञानिक तर्कों को चुनने, मतलब ऐसे साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देती है श्रमिकों की कि वो सबसे अच्छा काम करके अपने कार्य को में इम्पोर्टेंस लेकर आएँ। तो ये विचारधारा श्रमिकों से अधिक कार्य कराने हेतु अलग, मतलब कहने का मतलब अगर वो अधिक कार्य करवाती हैं अपने वर्कर से, तो वो एक मोटिवेट के अकॉर्डिंग उन्हें अच्छी सैलरी भी प्रदान करने पर जोर देती है। अब इस विचारधारा के बारे में जो हम हैं जानेंगे कि ये जो विचारधारा की जो विशेषता है वो इस प्रकार है, या हम कह सकते हैं कि इस विचारधारा की गुण या जो भी है वो इस प्रकार है। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्यों और सेवायोजक एवं कर्मचारी को अधिकाधिक समृद्धि करता है। इस विचारधारा से यही होता है, दोनों ही पक्षकारों की समृद्धि अधिकाधिक उत्पादक और कार्यकुशलता पर निर्भर रहती है। यह विचारधारा इस बात पर विश्वास करती है कि कार्यकुशलता के लिए प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ विधि होनी चाहिए। इस विचारधारा में यह है कि सर्वश्रेष्ठ विधि को खोज करने के लिए शोध और प्रयोग करने होते हैं। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रमापित समय, सामग्री, कार्यविधि आदि निर्धारित की जा सकती हैं। इसका यह भी मानना है कि श्रम विचार और विशिष्टीकरण द्वारा प्रत्येक कार्य को अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। ये विचारधारा यह मानती है कि प्रत्येक श्रमिक को प्रत्येक दिन उचित कार्य और उचित मजदूरी पर निर्धारित की जानी चाहिए। ये विचारधारा ये स्वीकार करती है कि कर्मचारी चयन, प्रशिक्षण आदि में वैज्ञानिक विधि अपनानी चाहिए। इसमें यह सही है कि व्यक्ति सही स्थान पर नियुक्त किया जाए और विशिष्टीकरण के लाभों से उसको प्राप्त हो। और इस विचारधारा में श्रमिक को अधिक से अधिक उत्पादन और उत्पादक के लिए प्रेरित हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, इस विचारधारा का ये भी मानना है कि प्रत्येक प्रबंधकों, नियोजकों, अन्य साधनों से कर्मचारियों को कार्य करने में सहयोग करती है। एंड ये विचारधारा यह भी मानती है कि श्रमिकों के प्रबंधकों के बीच सहकारिता, उत्पादकता वृद्धि महत्वपूर्ण शर्त है। ये विचारधारा ये मानती है कि वैज्ञानिक प्रबंध की सफलता के लिए श्रमिकों और मालिकों में पारस्परिक सहयोग के लिए दोनों में मानसिक क्रांति अति आवश्यक है। इस हेतु ये विचारधारा का मानना है कि दोनों ही पक्षकारों में अपने अपने हितों की वृद्धि के लिए अधिक उत्पादकता का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। ये विचारधारा इस बात पर ही बल देती है कि संस्था की अधिकाधिक उत्पादक का लक्ष्य रखना चाहिए, ना कि सीमित लक्ष्य का।
अब इसका इवेल्यूशन जो हम करते हैं इस विचारधारा का, वो इस प्रकार है। वैज्ञानिक प्रबंध की ओर से अनेक आलोचना की गई हैं। दूसरी और अनेक संस्थाओं का देश में इसमें अपनाया भी है, इस विचारधारा को कई देश ने अपनाया भी, तो कई देश ने इसकी आलोचना भी की है, वो इस प्रकार है। वैज्ञानिक प्रबंध न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में ये निकल के सामने आया कि ये वैज्ञानिक प्रबंध का न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादक के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये विचारधारा श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से संस्था के लोगों की चातुर्य अभिवृद्धि करने में योगदान देती है। ये अपव्यय को रोकने में समर्थ है। ये उत्पादन लागत में कमी लाने में संभव है। ये वैज्ञानिक विधियों का विकास का मार्गदर्शन खोलती है और सही कार्य को सही व्यक्ति को लगाने की सुविधा देती है। सूझबूझ और सहकारिता को बढ़ाती है, आय में वृद्धि करती है। ये सारी चीज़ इससे निष्कर्ष के रूप में निकल के सामने आती है कि ये विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विचारधारा है, इसे आप ज़रूर याद कीजिएगा। धन्यवाद।